मस्त, गुड। अब सब लोगों ने अब क्या किया है हमने लास्ट में, जॉइन एंड सेपरेट। तो आपने जॉइन और सेपरेट को अ मात्रा के और आ मात्रा के जो जॉइन सेपरेट आपने अच्छे से किए। तो अब हम करेंगे जॉइन सेपरेट ई मात्रा, छोटी ई और बड़ी ई मात्रा के। तो बड़ी ई मात्रा के जॉइन सेपरेट और छोटी ई मात्रा के जॉइन सेपरेट आज हम करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से उसको लिखना है। चलो, तो ये है जॉइन, छोटी ई मात्रा की जॉइन, और कैसे आती है इस साइड, और बड़ी ई मात्रा की ऐसे आगे की साइड। फर्स्ट, अब ये छोटी ई मात्रा में मिस्टेक होगी जॉइन सेपरेट, और वो कैसे देखो। फर्स्ट आप देखो, क प्लस व प्लस ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा। अब आपको सवाल होगा कि यहां पर हुआ क प्लस व, तो व को प्लस हटा के हमने व, उसकी ई की मात्रा वी, फिर क प्लस आ की मात्रा। तो मेन आपको छोटी ई में ध्यान रखना है, छोटी ई में कोई भी अगर जॉइंट सेपरेट हम करें, अगर उसको सेपरेट करें ही, तो उसको कैसे करेंगे, पहले लेटर आएगा फिर उसकी मात्रा आती है। देखा आपने, जैसे कि राजा, कल हमने किया था कि आ की मात्रा के जॉइंट सेपरेट, तो उसके अंदर र प्लस आ की मात्रा प्लस झ प्लस आ की मात्रा। तो कोई भी जब आता है लेटर, उसके बाद उसकी मात्रा लगती है, ठीक है। तो ये क व प्लस, तो आप मिस्टेक क्या करोगे, जैसे कि ये क यहां पर देखा प्लस व प्लस ई की मात्रा, तो वो ई की मात्रा पीछे लगाने के बदले जब आप सेपरेट करोगे, तब जैसे कि ये व, तो ये पहले ये मात्रा आती है, आप क्या करते हो, जो मात्रा आती है वो पहले ले लेते हो, फिर उसके बाद व फिर र, मतलब सीक्वेंस में चलते हो, वो नहीं चल रहा और कोई मात्रा में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक जो है, क्योंकि ये आगे की साइड आती है इसीलिए छोटी मात्रा में आपको प्रॉब्लम होगी, और वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो हम देखें क प्लस व प्लस ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा पीछे लगी है, यस। तो क लिखा हमने, फिर प्लस हटा के व लिखा, फिर उसकी मात्रा लिखी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, फिर त लिखा, फिर उसकी आ की मात्रा हमने लिखी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे द प्लस ई की मात्रा प्लस व प्लस स, तो उसमें हम लिखेंगे पहले द, फिर उसकी मात्रा ई की मात्रा डी, फिर व फिर स, तो क्या होगा, दिवस, दिवस में छोटी मात्रा, तो हमें पहले मात्रा नहीं लगानी, हमको पहले लेटर लिखना है, उसके बाद उसकी मात्रा लिखनी है, फिर आगे के लेटर, फिर उसकी मात्रा। र प्लस व प्लस ई की मात्रा, तो ये ई की मात्रा है वो व के ऊपर लगे, तो पहले हमने र लिखा, फिर प्लस हटा के व, फिर ई की मात्रा, उसके बाद तो स प्लस ई की मात्रा प्लस व, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, देखो कि स, तो पहले हमने स लिखा, उसके बाद ई की मात्रा, और उसके बाद व, तो वो ई की मात्रा यहाँ पर लगेगी, पहले हमको लेटर लिखना है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर व शिव, ओके, श प्लस ई की मात्रा प्लस व, वो ई की मात्रा जो है वो स के ऊपर
प्लस ट प्लस ल प्लस ई की मात्रा, तो हम लिखेंगे
बड़ी की मात्रा मात्रली कैसे बोलते हैं हम। तो ऐसे हम ज्वाइन करके सेपरेट करके हमको सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको वर्ड क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको आगे वर्ड भी आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे ज्वाइन। अब हम करेंगे सेपरेट। सेपरेट में हमको क्या करना है, जो हम ज्वाइन में क्या करना है, जो प्लस वाला है उसको हटाना है और वर्ड बनाना है। और यहाँ पर वर्ड बने हुए हैं उनको प्लस की साइन देकर उसको सेपरेट करना है। तो फर्स्ट है मीता, उसको कैसे सेपरेट किया, पहले म लिया, फिर उसकी ई की मात्रा, फिर त, उसके बाद आ की मात्रा, आगे ह लिया नेक्स्ट में, उसके बाद क्या है सेकंड नंबर क्या है, ही ना, ही ना में पहले ह लिया, फिर उसकी ई की मात्रा, फिर ना, फिर प्लस करके आ की मात्रा, ही ना, ऐसे। नेक्स्ट थर्ड नंबर चटाणी, चटाणी, उसको पहले हमने च प्लस ट प्लस न फिर न की मात्रा, ठीक है। अब उसके अंदर आगे देखते हैं नंबर फोर भाखरी, क्या लिखा है, भ क्या है आ की मात्रा, तो भा फिर ख फिर री। तो पहले हम लेंगे भ, फिर साइन करेंगे प्लस की, फिर उसके बाद आ की मात्रा, उसके बाद क्या है ख, उसके बाद र, और नेक्स्ट में लास्ट में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो हुआ अच्छे से, छोटी मात्रा में आपको भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो आगे आती है, और ये बड़ी मात्रा में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से सरल तरीके से समझ जाओगे। दी करी क्या है, द क्या है ई की मात्रा, दी क र क्या है ई की मात्रा, ट्री, तो हम सेपरेट कैसे करेंगे, पहले द फिर ई की मात्रा फिर क प्लस करके फिर र फिर उसकी ई की मात्रा, ठीक है, समझा। तो ये जॉइन और सेपरेट, हमने छोटी मात्रा के जॉइन सेपरेट किए और बड़ी मात्रा के जॉइन सेपरेट। तो वो जो पीडीएफ भेजूंगे आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखना भी है और समझना भी है। आपके पास कोई भी वर्ड हो तो उसको सेपरेट और जॉइन करके अच्छे से उसको वर्ड बनाने की कोशिश करो, उसको बोलने की कोशिश करो, ताकि आपको अच्छे से